दीपावली के दो दिन पहले धनतेरस पर्व का महत्व धन की उपलब्धि और धन की पूजा कर मनाया जाता है। इसी दिन हिंदू धर्म के अनुसार स्वर्ण या चांदी के आभूषणों की खरीदी को शुभ माना जाता है। वही बाजार तो सजे हैं, लेकिन कोरोना महामारी के चलते ग्राहकों की खरीदारी का रुझान कम ही देखने को मिल रहा है। आइए ले चलते हैं आपको देवास के बाजार में, जहाँ हमारे संवाददाता प्रवीण आचार्य ने बाजार का हाल जाना। दिवाली सर पर ही है और धनतेरस दिवाली के दो दिन पहले आती है। हाँ, हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त हम मौजूद हैं देवास शहर में, जहाँ पर आप देख सकते हैं मार्केट की रौनक, यहाँ के बाज़ार की रौनक जिस तरह से दिखाई दे रही है त्यौहार को लेकर के। आइए जानते हैं यहाँ के बड़े बड़े व्यापारियों से क्या कुछ कहेंगे, किस तरह का कोरोना काल में संकट के दौरान कितनी मुनाफा यहाँ पर हो रहा है। आइए जानते हैं आप क्या कहेंगे, क्या कि पिछली बार से इस बार में कितना अंतर है। इस बार 70% बिजनेस हुआ है, 30% कम हुआ है गए साल से। कोरोना की वजह से ये अभी लॉस हुआ है, क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर कम है। क्या लगता है और भी जगह कहीं ना कहीं फ़र्क पड़ा होगा कोरोना की वजह? कोरोना की वजह से 90% अभी कम फर्क पड़ा है, हर जगह फर्क पड़ा है कोरोना की वजह से। तो जिस तरह से देख सकते हैं आप कि 90% और कई सारे यहाँ पर कोरोना से की वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ा है, और हम और भी चीज़ें आपको बताएंगे कि सोने चांदी का रेट में भी काफ़ी उछाल यहाँ पर नज़र आया है, तो इस विषय में कितना और सोना और कितना चांदी है आज की तारीख में? 50,700 का भाव है सोने का, और चांदी है 61,000 के करीब पाट। देखा जाए तो पिछली बार काफ़ी कम था। हाँ, पिछली बार कम था, पर अभी इस साल जो है प्रचुरशन ज़्यादा आया है। 57,000 तक हो गया था सोने का भाव, फिर कम होके फिर 51,000 हो गया, फिर परसों के दिन 52,000 भी हो गया था, फिर कम हो गया है। मतलब अभी फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है सोने में। ठीक है, आपका नाम बताइए। मैं राधेश्याम सोनी, मनी राम जी के पुरानी दुकान। तो जी, अभी हमने बात की राधेश्याम सोनी जी से, जिनका कहना है कि 70% अभी मार्केट चल रहा है और कोरोना की वजह से ये मार्केट ठंडा है। किस तरह की है धनतेरस की धूम? यहाँ हम पहुँचे हैं देवा शहर की एक सोने चांदी की शॉप पर, जहाँ पर आप देख सकते हैं कस्टमर यहाँ पर बैठे हुए हैं, खरीदी कर रहे हैं और सोने के उतार चढ़ाव भाव के साथ में यहाँ पर पहुँचे हैं, और भी जानेंगे कि किस तरह का सोने में इस बार उछाल आया है और कितनी कमी इस बार कोरोना की वजह से आई है, जानते हैं हम। क्या कहेंगे आप यहाँ के ऑनर हैं कि किस तरह की का मार्केट है इस बार? भाई, फ्लक्चुएशन बहुत चल रहा है सोने चांदी में, उस हिसाब से तेजी मंदी ज़्यादा है, इसलिए कभी गिरा आता कभी नहीं आता, फिर भी चल रहा है। क्या कहेंगे, कोरोना संकट काल जो चला है, कोरोना की वजह से कितना फर्क पड़ा पिछले बार में और इस बार? लॉकडाउन ही रहा कोरोना संकट से, तो लॉकडाउन ही रहा और व्यापार कम ही रहा। क्या लगता है मार्केट में पैसा नहीं है? मार्केट में पैसा नहीं है, भाव के फ्लक्चुएशन की वजह से मतलब ग्राहक नहीं आ रहे हैं। क्या नाम है आपका? केला जैन। तो जी, हमने बात करी इस शॉप के ऑनर से, जिनका नाम है कैलाश जैन, उनका कहना है कि इस बार काफ़ी फर्क पड़ा है सभी बिजनेसों पर। हम आपको और भी बता दें, फसल भी खराब हुई, लॉकडाउन भी लगा, साथ ही में कई सारी समस्याएं एकदम से हमारे भारत देश के ऊपर आई, इस वजह से त्यौहार पे त्यौहार बिगड़ते जा रहे हैं। प्रवीण आचार्य, ACN भारत, देवास।